हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं रामनगर हॉलीडेज बनाने। तो फ्रेंड्स मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि मेरी हॉलीडे भी खत्म होने वाली है और हमारे स्कूल 1 जुलाई से खुल रहा है और अभी हमको जितनी मस्ती करने हैं हम कर रहे हैं। उसके बाद तो सिर्फ होमवर्क टेस्ट टेस्ट पढ़ाई होगी, फिर तो हम कभी नहीं जा पाएंगे घूमने। लेकिन संडे सैटरडे तो जाएंगे ही ना घूमने। हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँच गए हैं नामा चौड़ से आगे, काला ढूंगी आने वाला है नामा चौड़ से आगे। ये भाकड़ा का पुल है, ये भाकड़ा का पुल है। आप कितने बार आती हो इस रास्ते से, पता नहीं आपको? ये रामनगर काशीपुर जाने का रास्ता यही तो है, देहरादून भी तो हम इसी रास्ते से गए। करेक्ट आंसर। रामनगर मौसम ऐसे अच्छा हो रहा है ना, गर्म भी नहीं हो रहा ना। चलो मैं सनरूफ से बाहर निकल रही हूँ। फिर तेरा चश्मा गिर जाएगा। मैंने कहा मैंने फ्रेंड्स एक दिन बताऊं क्या हुआ था। जब हम देहरादून जा रहे थे मैं तो हाईवे में बाहर निकली थी। ओके, ऐसे सनरूफ से मैं बाहर निकलूंगी। हाईवे में थोड़ी नहीं, यहीं पर था। हाँ, यहीं पर मैंने अपना चश्मा को यहाँ पर रखा था आराम से, ठीक है। उसके बाद में जब मैं खड़ी हुई मुझे लगा अरे सब तो पिंक दिख रहा है, उतार देती हूँ एक बार फिर देखूंगी आराम से। तब तक बताओ चश्मा उड़ते 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 सीधे दूर गया और मैं हो गई मेरा चश्मा मेरा चश्मा। फिर मैं तो इतना रोई मेरे चश्मे के लिए, लेकिन थैंक गॉड मेरा चश्मा बच गया, वो टूटा नहीं क्योंकि वो कॉर्नर में गिरा था बीचों बीच में नहीं। और मैंने पापा से कहा पापा जल्दी लो यू टर्न लो यू टर्न, मेरा चश्मा। इतना हंसी। फ्रेंड्स आज तो बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है, ये देखो एकदम ठंडा हो रहा है। आजकल तो सन मामा थक गए हैं, बताऊं क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं नहीं और मैं गर्मी नहीं दिखा सकता लोगों को क्योंकि मैं अब थक गया हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। हवा आप आ जाओ, आप हल्द्वानी में हवा दो तब तक, फिर मैं उसके बाद आऊँगा। रेनी सीजन आने वाला है ना। रेनी सीजन आने वाला है। ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और आगे वाले हैं पांडे अंकल जी, वो वाली कार में, वो जो है सामने वाली कार में हमारी सामने, वो है पापा के फ्रेंड पांडे अंकल। बाई से मिली कब? जब वो हमारे घर आई थी। तुम कब आई थी? आई थी इसको याद है, जब मैं छोटी थी मेरे घर में दर्द हो रहा था। जब मैं छोटी थी इतनी तो होंगी मैं, अभी मेरी हाइट हो चुकी है बड़ी। पहले मैं स्मॉल थी, फिरती हुई अब मैं इतनी हो गई हूँ। और वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी मिलेंगे बहुत सारे। हमने रामनगर क्रॉस कर लिया और अभी हम हैं सीतामढ़ी रोड में और अभी हम अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं। और फिर वहां पर हम पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद हम करेंगे एंजॉय बहुत ज्यादा। देखो फ्रेंड्स अभी तक तो सन भी आ गए बोले थे, अब तो मेरा टाइम आ गया आने का, चलो मैं आ जाता। ऐसा लग रहा है बारिश हो भी रही है, छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें हो रही है, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स हो रही है शायद बारिश।
सुने ना। और यहाँ पर दीदी निन्नू कर रही हैं क्योंकि वो बहुत थक गई हैं और मैं निन्नू कर कर उठ गई हूँ क्योंकि मैं दिन से पहले सो गई। और ये देखो कितनी छींटे पड़ गई बारिश की। पापा मेरे को क्लीन कर लो। क्लीन करो लो। अच्छा पेड़ है ना फ्रेंड्स, वहां साइड में तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स आप भी आना रामनगर सीतापली रोड में, बहुत अच्छा मौसम होगा और आपको ऐसा नजारा देखने को भी मिलेगा। हम गए गए अंदर गए। से सनरूफ से निकलोगे ऐसा? टाइगर तो दूसरी जगह रहता है क्योंकि यहाँ पर तो इतना जंगल जंगल है। आगे रपटा है कि ऐसा होता नहीं तो रोज चलेंगे। फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये है भंडार पानी जगह और आगे देखो मिरर में जरा देखो ना फ्रेंड्स, अभी मैं रिमूव कर रही हूँ। क्या करूँ अभी नहीं करूँगी। ये देखो कितनी छोटी छोटी बूंदे, वो बड़ी बड़ी भी आ रही है। ये देखो मैं तो विंडो से बाहर निकल गई हूँ। ये देखो कितना मौसम है। और फ्रेंड्स अभी बताओ क्या हुआ था बारिश में? बाहर से पता चलेगा ऊपर से पानी जी तो जैसे घुसा दिया इन्होंने, जबकि रास्ता तो ये था ऊपर का। अरे रास्ता तो यही है, वहां से घुमाया होगा वैसे घुमाया होगा। वो तो पांडे जी तो भाग गए। उनकी खाड़ी बहुत छोटी है, प्यारी है, छोटी सी गाड़ी हाथ में आ जाएगी। उनसे तो हमारी भी बड़ी गाड़ी है। डस्टर यहाँ पर से तो लग रहा है ऐसे खाई खाई। ताला पानी की सजा हो रही है यहाँ। पानी जैसे कहीं मैं हूँ अनमोल का डाला। ताऊ भी लाइक मैं हूँ अनमोल का ड्राइवर, मुझे कोई खतरा से नहीं लगता। फ्रेंड्स हमको यहाँ पर रिजॉर्ट मिलेगा भी, बट हम यहाँ पर ऐसे आए हैं। अगर हम चलते जा रहे हैं ऊपर आने में तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होगी। पूरा जंगल में ये
बहुत ज्यादा एडवेंचर वाला है और डरावने और डेंजरस। और यहाँ पर देखो येलो येलो के बैम्बूज लगे हैं, यहाँ पर पांडा आते होंगे खाने के लिए। देखो बैम्बू बैम्बू। आज गाड़ी बोल भी दिया, कहाँ आ गए हम? पता नहीं यार, कुछ तो दिख नहीं रहा है। बाद में हमें ठंडा मिल गया तो वो बोल रहे थे भी। गाइस हम अपना रिसॉर्ट पहुंच गए हैं। अपना अपना ही तो अपनी तो बोलो का है। अब यहाँ से हमें कोई कार वार लेना है या ऊपर? ये वाली यहाँ पर होगी पार्किंग। ठीक है, मैं कहाँ रखेंगे पाऊँ हम? मैं अपने न्यू शूज लाई हूँ फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं और ताऊ-ताई आए हैं अल्मोड़ा से और अंकल आंटी आए हैं चंपावत से। अभी तो और लोगों का आना बाकी है, जब वो आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।